नादिया। व्यूवर्स, ये पांच ड्रामा सीरियल 2024 के काफ़ी बेहतरीन ड्रामा सीरियल्स है। अगर आपने इस ड्रामा सीरियल्स को अभी तक नहीं देखे है तो लाजमी देख लीजिए। तो इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना राय ज़रूर कमेंट करें कि आपको कौन सी ड्रामा अच्छी लगी और कौन सा ड्रामा आपने नहीं देखी, इसका नाम भी कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ 2024 के टॉप 5 पाकिस्तानी ड्रामास के हवाले से बात करूंगा। तो व्यूवर, सबसे पहले हमारे लिस्ट में मौजूद ड्रामे का नाम कभी मैं कभी तुम है। इसमें पहद मुस्तफ़ा, हानिया आमिर, इमाद इरफानी और बुशरा अंसारी के साथ जावेद शेख मौजूद है। व्यूवर्स, मुस्तफ़ा और शर्जीना मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहे हैं और अदील अपने घर के सियासत में दोबारा कदम रखने के लिए तैयार है। कभी मैं कभी तुम की कहानी एक अहम समाजी मसले के बारे में बात करते हैं जो ताज़ा तरीन किस्त में आमतौर पर नज़रअंदाज किया जाता है। दो भाइयों के दरमियान ताकत की तवाज़ुन की कशमकश जिनके माशरती रुतबे की वजह से पैदा होती है। मुस्तफ़ा ने अपने वालिद के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वो और इसकी बीवी अपने वालिद को बचाने के लिए हर चीज़ बेचने को तैयार थे, लेकिन अदील अपनी बीवी के पैसों के साथ आता है और तमाम तारीफें समेट लेता है। यहाँ व्यूअर्स, दूसरे नंबर पर हमारे लिस्ट में मौजूद ड्रामे का नाम काबली पुलाव है। व्यूअर्स, काबली पुलाव की कहानी हाजी मुश्ताक और परवीना के मोहब्बत की दास्तान पर मबनी है जो उम्र और सकाफत के रुकावटों के सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस ड्रामे में मोहम्मद एहतिशामुद्दीन, सबीना फारूक, नादिया अफगान और अब्दुल्ला फरहतल्ला ने किरदार अदा किया है। व्यूअर्स, काबली पुलाव ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट पर जारी कर दी गई है जो बेहतरीन ड्रामा सीरियल है। व्यूअर्स, नंबर 3 पर हमारे लिस्ट में मौजूद ड्रामे का नाम कुछ अनकही है। व्यूअर्स, कुछ अनकही एक क्लासिक बन गया जो तीन बहनों आलिया, सामिया और तानिया के नज़रियात के ज़रिए एक ताज़ा और समाजी तौर पर तरक्की कहानी को बयान करता है। सचल अली, बिलाल अब्बास खान, शहरयार मुनव्वर और दीगर अदाकार शामिल है। व्यूअर, इस तरह नंबर 4 पर हमारे लिस्ट में मौजूद ड्रामे का नाम जन्नत से आगे है। ये ड्रामा सीरियल मशहूर ज़िंदगी के पेचीदगियों को सामने लाते हुए शो बिजनेस के चमक और इसके तारीख पहलों को उजागर करता है। इस ड्रामे में कुबरा खान, रमशा खान, तलहा चहोर और गौहर रशीद ने किरदार अदा किया है। ये रवायती मोहब्बत की कहानियों से हटकर अवामी और उनजी ज़िंदगी के दरमियान फ़र्क को उजागर करता है। व्यूअर्स, नंबर 5 पर हमारे लिस्ट में मौजूद ड्रामे का नाम तेरे बिन है। ड्रामा सीरियल तेरे बिन साल के सबसे पसंदीदा और ज़्यादा देखे जाने वाले ड्रामों में एक के तौर पर उभरा। उसे मुनफरिद मोहब्बत की कहानी के मरकजी जोड़े वहाज अली और यमुना जीदी ने शानदार अन स्क्रीन केमिस्ट्री का मुजाहरा किया जिसने ड्रामे को हिट बना दिया। व्यूअर्स, ये पांच ड्रामा सीरियल 2024 के काफ़ी बेहतरीन ड्रामा सीरियल्स है। अगर आपने इस ड्रामा सीरियल्स को अभी तक नहीं देखे है तो लाजमी देख लीजिए। तो इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना राय ज़रूर कमेंट करें कि आपको कौन सी ड्रामा अच्छी लगी और कौन सा ड्रामा आपने नहीं देखी, इसका नाम भी कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ 2024 के टॉप 5 पाकिस्तानी ड्रामास के हवाले से बात करूंगा। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हमारे लिस्ट में मौजूद ड्रामे का नाम कभी मैं कभी तुम है। इसमें पहद मुस्तफ़ा, हानिया आमिर, इमाद इरफानी और बुशरा अंसारी के साथ जावेद शेख मौजूद है। व्यूअर्स, मुस्तफ़ा और शर्जीना मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहे हैं और अदील अपने घर की सियासत में दोबारा कदम रखने के लिए तैयार है। कभी मैं कभी तुम की कहानी एक अहम समाजी मसले के बारे में बात करते हैं जो ताज़ा तरीन किस्त में आमतौर पर नज़रअंदाज किया जाता है। दो भाइयों के दरमियान ताकत की तवाज़ुन की कशमकश जिनके माशरती रुतबे की वजह से पैदा होती है। मुस्तफ़ा ने अपने वालिद के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वो और इसकी बीवी अपने वालिद को बचाने के लिए हर चीज़ बेचने को तैयार थे, लेकिन अदील अपनी बीवी के पैसों के साथ आता है और तमाम तारीफें समेट लेता है। यहाँ व्यूअर्स, दूसरे नंबर पर हमारे लिस्ट में मौजूद ड्रामे का नाम काबली पुलाव है। व्यूअर्स, काबली पुलाव की कहानी हाजी मुश्ताक और परवीना के मोहब्बत की दास्तान पर मबनी है जो उम्र और सकाफत के रुकावटों के सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस ड्रामे में मोहम्मद एहतिशामुद्दीन, सबीना फारूक, नादिया अफगान और अब्दुल्ला फरहतल्ला ने किरदार अदा किया है। व्यूअर्स, काबली पुलाव ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट पर जारी कर दी गई है जो बेहतरीन ड्रामा सीरियल है। व्यूअर्स, नंबर 3 पर हमारे लिस्ट में मौजूद ड्रामे का नाम
कुछ अनकही है। व्यूअर्स, कुछ अनकही एक क्लासिक बन गया जो तीन बहनों आलिया, सामिया और तानिया के नजरियात के जरिए एक ताज़ा और समाजी तौर पर तरक्की पसंद कहानी को बयान करता है। सचल अली, बिलाल अब्बास खान, शहरयार मुनव्वर और दीगर अदाकार शामिल है। व्यूअर, इस तरह नंबर 4 पर हमारे लिस्ट में मौजूद ड्रामे का नाम जन्नत से आगे है। ये ड्रामा सीरियल मशहूर जिंदगी के पेचीदगियों को सामने लाते हुए शो बिजनेस के चमक और इसके तारीख पहलों को उजागर करता है। इस ड्रामे में कुबरा खान, रमशा खान, तलहा चहोर और गौहर रशीद ने किरदार अदा किया है। ये रवायती मोहब्बत की कहानियों से हटकर अवामी और उनजी जिंदगी के दरमियान फर्क को उजागर करता है। व्यूअर्स, नंबर 5 पर हमारे लिस्ट में मौजूद ड्रामे का नाम तेरे बिन है। ड्रामा सीरियल तेरे बिन साल के सबसे पसंदीदा और ज़्यादा देखे जाने वाले ड्रामों में एक के तौर पर उभरा। उसे मुनफरिद मोहब्बत की कहानी के मरकजी जोड़े वहाज अली और यमुना जीदी ने शानदार अन स्क्रीन केमिस्ट्री का मुजाहरा किया, जिसने ड्रामे को हिट बना दिया। व्यूअर्स, ये 5 ड्रामा सीरियल 2024 के काफ़ी बेहतरीन ड्रामा सीरियल्स है। अगर आपने इस ड्रामा सीरियल्स को अभी तक नहीं देखे है तो लाजमी देख लीजिए। तो इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना राय ज़रूर कमेंट करें कि आपको कौन सी ड्रामा अच्छी लगी और कौन सा ड्रामा आपने नहीं देखी, इसका नाम भी कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ 2024 के टॉप 5 पाकिस्तानी ड्रामास के हवाले से बात करूंगा। तो व्यूवर, सबसे पहले हमारे लिस्ट में मौजूद ड्रामे का नाम कभी मैं कभी तुम है। इसमें पहद मुस्तफ़ा, हानिया आमिर, इमाद इरफानी और बुशरा अंसारी के साथ जावेद शेख मौजूद है। व्यूअर्स, मुस्तफ़ा और शर्जीना मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहे हैं और अदील अपने घर के सियासत में दोबारा कदम रखने के लिए तैयार है। कभी मैं कभी तुम की कहानी एक अहम समाजी मसले के बारे में बात करते हैं जो ताज़ा तरीन किस्त में आमतौर पर नज़रअंदाज किया जाता है। दो भाइयों के दरमियान ताकत की तवाज़ुन की कशमकश जिनके माशरती रुतबे की वजह से पैदा होती है। मुस्तफ़ा ने अपने वालिद के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वो और इसकी बीवी अपने वालिद को बचाने के लिए हर चीज़ बेचने को तैयार थे, लेकिन अदील अपनी बीवी के पैसों के साथ आता है और तमाम तारीफें समेट लेता है। यहाँ व्यूअर्स, दूसरे नंबर पर हमारे लिस्ट में मौजूद ड्रामे का नाम काबली पुलाव है। व्यूअर्स, काबली पुलाव की कहानी हाजी मुश्ताक और परवीना के मोहब्बत की दास्तान पर मबनी है जो उम्र और सकाफत के रुकावटों के सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस ड्रामे में मोहम्मद एहतिशामुद्दीन, सबीना फारूक, नादिया अफगान और अब्दुल्ला फरहतल्ला ने किरदार अदा किया है। व्यूअर्स, काबली पुलाव ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट पर जारी कर दी गई है जो बेहतरीन ड्रामा सीरियल है। व्यूअर्स, नंबर 3 पर हमारे लिस्ट में मौजूद ड्रामे का नाम कुछ अनकही है। व्यूअर्स, कुछ अनकही एक क्लासिक बन गया जो तीन बहनों आलिया, सामिया और तानिया के नजरियात के जरिए एक ताज़ा और समाजी तौर पर तरक्की व्यूअर्स कहानी को बयान करता है। सचल अली, बिलाल अब्बास खान, शहरयार मुनव्वर और दीगर अदाकार शामिल है। व्यूअर, इस तरह नंबर 4 पर हमारे लिस्ट में मौजूद ड्रामे का नाम जन्नत से आगे है। ये ड्रामा सीरियल मशहूर जिंदगी के पेचीदगियों को सामने लाते हुए शो बिजनेस के चमक और इसके तारीख पहलों को उजागर करता है। इस ड्रामे में कुबरा खान, रमशा खान, तलहा चहोर और गौहर रशीद ने किरदार अदा किया है। ये रवायती मोहब्बत की कहानियों से हटकर अवामी और उनजी जिंदगी के दरमियान फर्क को उजागर करता है। व्यूअर्स, नंबर 5 पर हमारे लिस्ट में मौजूद ड्रामे का नाम तेरे बिन है। ड्रामा सीरियल तेरे बिन साल के सबसे पसंदीदा और ज़्यादा देखे जाने वाले ड्रामों में एक के तौर पर उभरा। उसे मुनफरिद मोहब्बत की कहानी के मरकजी जोड़े वहाज अली और यमुना जीदी ने शानदार अन स्क्रीन केमिस्ट्री का मुजाहरा किया, जिसने ड्रामे को हिट बना दिया। व्यूअर्स, ये 5 ड्रामा सीरियल 2024 के काफ़ी बेहतरीन ड्रामा सीरियल्स है। अगर आपने इस ड्रामा सीरियल्स को अभी तक नहीं देखे है तो लाजमी देख लीजिए। तो इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना राय ज़रूर कमेंट करें कि आपको कौन सी ड्रामा अच्छी लगी और कौन सा ड्रामा आपने नहीं देखी, इसका नाम भी कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ 2024 के टॉप 5 पाकिस्तानी ड्रामास के हवाले से बात करूंगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे लिस्ट में मौजूद ड्रामे का नाम कभी मैं कभी तुम है। इसमें पहद मुस्तफ़ा, हानिया आमिर, इमाद इरफानी और बुशरा अंसारी के साथ जावेद शेख मौजूद है।
व्यूअर्स मुस्तफ़ा और शर्जीना मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहे हैं और अदील अपने घर की सियासत में दोबारा कदम रखने के लिए तैयार है। कभी मैं कभी तुम की कहानी एक अहम समाजी मसले के बारे में बात करते हैं जो ताज़ा तरीन किस्त में आमतौर पर नज़रअंदाज किया जाता है। दो भाइयों के दरमियान ताकत की तवाज़ुन की कशमकश जिनके माशरती रुतबे की वजह से पैदा होती है। मुस्तफ़ा ने अपने वालिद के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वो और इसकी बीवी अपने वालिद को बचाने के लिए हर चीज़ बेचने को तैयार थे, लेकिन अदील अपनी बीवी के पैसों के साथ आता है और तमाम तारीफें समेट लेता है। यहाँ व्यूअर्स दूसरे नंबर पर हमारे लिस्ट में मौजूद ड्रामे का नाम काबली पुलाव है। व्यूअर्स, काबली पुलाव की कहानी हाजी मुश्ताक और परवीना के मोहब्बत की दास्तान पर मबनी है जो उम्र और सकाफत के रुकावटों के सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस ड्रामे में मोहम्मद एहतिशामुद्दीन, सबीना फारूक, नादिया अफगान और अब्दुल्ला फरहतल्ला ने किरदार अदा किया है। व्यूअर्स, काबली पुलाव ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट पर जारी कर दी गई है जो बेहतरीन ड्रामा सीरियल है। व्यूअर्स, नंबर तीन पर हमारे लिस्ट में मौजूद ड्रामे का नाम कुछ अनकही है। व्यूअर्स, कुछ अनकही एक क्लासिक बन गया जो तीन बहनों आलिया, सामिया और तानिया के नज़रियात के ज़रिए एक ताज़ा और समाजी तौर पर तरक्की व्यूअर्स कहानी को बयान करता है। सचल अली, बिलाल अब्बास खान, शहरयार मुनव्वर और दीगर अदाकार शामिल है। व्यूअर्स, इस तरह नंबर चार पर हमारे लिस्ट में मौजूद ड्रामे का नाम जन्नत से आगे है। ये ड्रामा सीरियल मशहूर ज़िंदगी के पेचीदगी